हेलो जी की फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई आज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है, बहुत ही मेजर रीज़न है, एंड आई होप सो यू लाइक दैट रीज़न। तो वो रीज़न बताता हूँ अभी। आज जो वीडियो शुरू कर रहे हैं ना, एक तो टाइम काफ़ी बाद मिला है, सेकेंडली एक अच्छी सी न्यूज़ है, तो वो बताता हूँ। बताता क्या हूँ, सीधा सीधा दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। तो नीचे देख रहे हो, बस 10,000 शेड्यूल सर्विस ड्यू, 10,012 किलोमीटर हो चुके हैं गाड़ी के, और अब सर्विस आने वाली है। इसकी पहली मेजर सर्विस, 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं गाड़ी। तो आफ्टर 10,000 कैसा लग रहा है भाई, ये बताते हैं। सबसे पहले जरा यहाँ से बाहर निकले, फिर आपसे बात करते हैं। और एसी भैया चलाना पड़ेगा, क्योंकि कितनी भी सर्दी हो जाए एसी बंद नहीं हो सकते भैया। गर्मी इतनी लगती है यार, स्पेशली गाड़ी में हद ज़्यादा। यहाँ से निकले, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ, तो ऊपर है रोड पे, और भाई 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, तो इसकी एक सर्विस जो है, मैं अभी सर्विस कराने नहीं जा रहा हूँ, तो उसका व्लॉग तो अलग से आएगा डेफिनेटली, कि इसकी सर्विस का कैसा रहता है। ऑल्दो मुझे चलाने में अभी तक ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ है कि 10,000 किलोमीटर के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार सर्विस की नीड है अभी इमरजेंसी में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं आए थे, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते प्लस हो चुके हैं, और कुछ कंटेंट रिकॉर्डेड पड़ा है मेरे। एक रिसेंटली अभी एक ट्रिप का था, उसके एपिसोड रहते हैं जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, बट मैं एडिट नहीं कर पा रहा। क्यों? एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब भाई ऐसा क्या ही था। तो 10,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस तो मैं जस्ट 1 से 1.5 मिनट में शुरू करता हूँ और बताता हूँ आपको, बट मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा था, उसके पीछे काफ़ी एक अच्छा रीज़न है। आई वॉज बिजी इन टू अरेंजिंग द स्टफ, मैं चीज़ें अरेंज कर रहा था, चल रही हैं वो अरेंजमेंट्स। और वो अरेंजमेंट्स क्या है कि तुम्हारे जीके भाई इज गेटिंग मैरिड, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो भी थैंक यू बोल रहा है उसके लिए थैंक यू पहले से ही, अगर कोई कंग्रेचुलेट कर रहा है तो उसके लिए थैंक यू। एंड हाँ, तुम्हारा जीके भाई शादी कर रहा है, तो शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है, बट जो थोड़ा सा टाइम है ना, उसमें प्रिपरेशन बहुत सारी करनी है। अब उस प्रिपरेशन में भाई सब कुछ आ जाता है, ड्रेसेस आ जाती हैं, आपका फोटोग्राफर्स आ जाता है, आपके वेन्यूज आ जाते हैं। तो वेन्यूज वगैरह सॉर्टेड काफ़ी हद तक हो चुके हैं, और मेजर जो इशू आ रहा है ना भाई, फोटोग्राफर्स का आ रहा है और ड्रेसेस का आ रहा है। तो अगर किसी को पता है भाई दिल्ली NCR में, फरीदाबाद में कोई एक अच्छा फोटोग्राफर, अगर कोई गाइड कर सके तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मेरा इंस्टा हैंडल सबको पता है, आप DM कर सकते हो, GK Vlogs के नाम से ही है, आप उसी पर DM कर दो फॉर अ फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर, और जिसको कैंडिड सिनेमैटिक, जो जो ट्रेडिशनल, बतेरी कुछ चीज़ें चल रही है भाई मार्केट में। पहले एक CD बना करती है ट्रेडिशनल, आजकल भाई ट्रेडिशनल अलग है, जो पहले वाली CD होती थी 3 घंटे की जो CD बनती थी, उसके बाद जी कैंडिड फोटोग्राफर्स अलग हैं और सिनेमैटिक्स अलग हैं, सबके रेट अलग हैं इवेंट वाइज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई है जिसको पता है तो भाई गाइड कर देना थोड़ा बहुत, मैं बहुत लोगों को ढूंढ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो इसके लिए मोस्ट वेलकम। अब जो बात मेजर रहती है, एक तो ना मैं बाईपास रोड पे हूँ, सिंगल लेन रोड है, बड़ा खराब है ये भाई, रात को रोड इतना खतरनाक होता है ना, आई एम थिंकिंग कि मैं रात का आज ही इसका व्लॉग करता हूँ रात में, बिकॉज मैं अभी जा रहा हूँ, तो मैं आऊँगा रात में, मैं अभी भी एक फोटोग्राफर से मिलने ही जा रहा हूँ, और गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो रही है, वॉश कराऊंगा, क्योंकि कल मेरे को कहीं जाना है, कल तुम्हारे भाई का बर्थडे भी है 16 दिसंबर को, तो ये व्लॉग तो आई थिंक मंडे को डलेगा, तो बर्थडे तो भाई निकल गया, ठीक है, पर कोई नहीं। अरे भैया छाती पे चढ़ा दो। तो व्लॉग तो भाई अब मंडे है आज, जब देख रहे हो, पर 16 दिसंबर सैटरडे को मेरा बर्थडे था। अभी जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, अभी है 15th ऑफ दिसंबर, कल है मेरा बर्थडे, तो कल मैं फुल डे बाहर रहने वाला हूँ, इस चक्कर में मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, तो वो भी धुलवानी है। अब यहाँ जो धुलवाने वाला भाई है भाई, उसमें लाइट नहीं आ रही, तो आप आ जाएंगे जहाँ जा रहे हैं फोटोग्राफर, 16 सेक्टर आसपास कहीं, वहाँ कहीं ढूंढेंगे कि भैया कोई मिल जाए, और गाड़ी धोने वाला भी, नहीं तो इसकी लाइट आने का वेट करेंगे शाम का। हाँ जी, तो अब मेजर बात आती है कि भैया 10,000 किलोमीटर कैसे रहे, ठीक है। तो भाई 10,000 किलोमीटर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, मैंने ऐसा कोई भी इशू फेस नहीं करा गाड़ी के साथ कि हाँ यार ये मेरे को शायद सिर्फ शिफ्ट करनी चाहिए थी, कुछ और गाड़ी लेना चाहिए था, नहीं मेरा ऐसे बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ, अगर मैं सेडान सेगमेंट में होता तो अलग केस होता, SUVs में मेरा इसको, इससे किसी और पे जाने का अभी तो बिल्कुल मन नहीं है, इन फ्यूचर आई विल सी। एंड इतनी पेट्रोल के साथ जो मेरे को हॉर्स पावर मिला है 203 घोड़े प्लस इतने फीचर्स, मुझे फीचर्स इतने ही सही लगते हैं, मुझे फालतू वाले वो जो एडास वडूस ना मेरे समझ नहीं आते भाई। गाड़ी मैनुअली ले रहा हूँ तो मैं चलाऊंगा एज यूजुअल, जो मैं कहता हूँ हर बार की तरह, तो गाड़ी तो तुम्हारा भाई चलाएगा,
तो भाई मेरे को 10,000 किलोमीटर में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पहाड़ों का, लोकल का, हाईवे का, और लोकल इन द सेंस पहले गियर में मैंने 2 घंटे गाड़ी चलाई है, ऐसा भी करा है मैंने, 2 से 3 घंटे सिर्फ गाड़ी चल रही है पहले गियर पे, तो मैंने ये भी करा है। मुझे कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं थक रहा हूँ ड्राइविंग में। मैंने इस गाड़ी को लॉन्ग रूट भी 13-14 घंटे रेगुलर चलाया बिना सोए फुल नाइट, उसमें भी मेरे को थकान नहीं हुई, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गड्ढों में मेरे को कोई इशू नहीं आया, अभी भी कभी कभी गड्ढा होता है तो ब्रेक की बजाय आई जस्ट पुश द पेडल तो ज्यादा कंफर्ट आता है। बिकॉज जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था ना, मुझे ध्यान था, भैया ने बोला कि मैंने कभी ये गड्ढा आ रहा है, कहता आप बार बार ब्रेक क्यों मार देते हो, मैंने कभी गड्ढा है ना इसीलिए, तो कहते आप पुश करो ये और प्यार से जाएगी। तो मैंने ट्राई किया टेस्ट ड्राइव व्हीकल पे ही, तो मुझे मजा आया। तो मैं अपनी गाड़ी पे इतना ट्राई नहीं करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, पर हाँ लिटरली इसके सस्पेंशन वॉटलिंग्स और ये जो भी इन्होंने लगाया है, एग्जैक्ट नेम तो एक वॉटलिंग्स है पीछे वाला और आगे भी अलग है, बट हाँ इनका कंफर्ट वाकई बहुत अच्छा है। एक्सयूवी 700 का कंफर्ट जो है ना वो गड्ढों में कम है, बिकॉज उसका सस्पेंशन गड्ढों में जल्दी इसीलिए ही ज्यादा है बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर दैट, वो उसके लिए बना नहीं है गड्ढों के लिए। एक्सयूवी 700 इज Known to be a SUV vehicle, but practically it is not a SUV vehicle practically. क्योंकि SUV जो है ये गड्ढों के लिए भी होती है, उलचे नीचे के लिए भी होती है, और SUV 700 का सस्पेंशन सबसे जल्दी बोलता है, वो हाईवे के लिए बनी हुई है गाड़ी। अगर आपको गड्ढों में और टेढ़ी मेढ़ी चलाने का शौक है भाई कि कुदाता चलूं मैं, तो यू शुड गो फॉर दिस बीस्ट स्कॉर्पियो एन विद सेफ्टी। स्कॉर्पियो फिर स्कॉर्पियो है क्लासिक, उसका भी अलग ही रॉब है, वो तो अलग चीज है, दोनों का सेगमेंट सेम है लेकिन नाम अलग अलग चल रहे हैं। अगर आपको विद लग्जरी चाहिए तो वो तो चलो पुरानी बातें हो गई है, लेकिन हाँ 10,000 किलोमीटर में बस मेरी तरफ से डन है डील। अब इसकी सर्विस में आई डोंट नो क्या कॉस्टिंग आने वाली है, क्या क्या चेंज करेंगे। आई थिंक ये लोग इंजन ऑयल शायद 20,000 पे है पेट्रोल का और डीजल का 10,000 पे है, बट अगर मुझे थोड़ा सा भी क्लू लगा कि कुछ इशू है बिकॉज फर्स्ट 10,000 हुए हैं तो मैं इंजन ऑयल रिप्लेस करा दूंगा। अब ये पता लगेगा भाई खोल के वहाँ कि क्या कंडीशन रहती है, ब्रेक्स वगैरह देखते हैं क्योंकि मैंने रैश भी करा है, मैं ब्रेक्स भी कभी कभी हैवी लेता हूँ, इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ये जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं बताता हूँ कि मैंने गाड़ियाँ काफ़ी चलाई हैं एंड इसका ब्रेकिंग सिस्टम इज हेल गुड भाई, खतरनाक दबाते ही। कभी कभी तो हाई स्पीड पे ना मेरी फट जाती है कि साला ब्रेक लगा दिया एकदम जाम हुई है गाड़ी। इवन इसी चक्कर में भाई मेरी गाड़ी ठुकी हुई थी जब मैंने बुलगार्ड लगवाया था लास्ट व्लॉग में, मैंने ब्रेक दबाया स्कूटी वाले ने दे मारी गाड़ी में, और तब तो मैं हार्डली बहुत कम स्पीड पे था। तो अब इसकी फर्स्ट सर्विस का टाइम का जरूर ग्लिच चल रहा है कि मिल नहीं पा रहा है, टाइम कब कराई जाए बिकॉज कल सैटरडे है, कल बिजी हूँ, संडे को देखते हैं। संडे को वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं संडे को सर्विस कराने जाऊँ बिकॉज संडे में ना सबको पता है कि सर्विस सेंटर वाले ना घास काटते हैं भाई। फंस गया, इधर से भी ट्रक आ गया, इधर से भी ट्रक आ गया, और मैं बीच में भाई इन दो दो ट्रकों को काटना ना बड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि ये रोड इतना गंदा है ना, दिन में फिर भी नहीं लगता। मैं ना रात में रोड की रिकॉर्डिंग करूँगा और वो दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊं देखो क्या हो रहा है। देखो सी ये देखो ट्रक को ओवरटेक कर रहा है इतने से रोड पे और आगे गाड़ी आ रही है, ये होता है यहाँ पे हाल भाई, इतना बुरा हाल रहता है ना यहाँ पे। यहाँ पे ओवरटेक करने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ता है। देखो ये साइड नहीं देगा क्यों, ये देखो ये भी किसी को ओवरटेक कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बीच में आ गया अचानक ही। ये देखो कलाकार भाई सब कर क्या रहे हैं, कुछ पत्ते तोड़ रहे हैं खड़े होके ऑटो लगा के, तो भाई क्या ही करोगे ऐसे लोगों का। प्लीज को ओवरटेक करें जरा, हाँ ओवरटेक करने में भाई इसके हॉर्स पावर का जो फील आता है ना पंच, वो अलग लेवल का है, उसमें आता है मजा। तीसरे गियर पे ये जो 60 लग जाती है ना भाई फटाफट से दबाते ही हल्का सा, उसका अलग फन है। मैं इस रोड पे यूजुअली चलाता हूँ खाली मिल जाती है तो 70-80, नहीं तो भाई 60 तो फिर खींची खींची चलती है। अभी जैसे करंटली मैं 70 की स्पीड पे हूँ, खाली मिल रही है, ये सही पड़ा है ऐसे रोड पे भाई, इस वाले रोड पे नहीं चलाना चाहिए क्योंकि कभी साइड से कुछ भी आ जाता है। तो 10,000 किलोमीटर मेरे भाई इस रोड पे बहुत चली है गाड़ी, क्योंकि बाईपास पूरा बन रहा है, फैजाबाद वालों को पता होगा तो बहुत ज्यादा सीन बैठ रहा है। अब भाई 10,000 किलोमीटर के अंदर जहां तक रहती है एवरेज की बात, तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि गाड़ी हाईवे और इस पे काफी जगह अलग अलग जगहों पे चली है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एक टैंक में मेरी गाड़ी 600 किलोमीटर की रेंज टच करती है प्लस ही, 600 प्लस, बेशक वो लोकल ही क्यों ना हो। और तो मैंने हमेशा 600 किलोमीटर के आसपास ही हमेशा पेट्रोल फुल करवाया है क्योंकि पेट्रोल है मेरी गाड़ी जिस इसको पता है, और हाईवे पे तो मेरी और भी लंबी चली है गाड़ी, 750 टच हुई है,
तो एवरेज का मुझे भाई पेट्रोल में ऐसा कुछ इशू अलग लगा नहीं। हाँ, जिसका बहुत ज्यादा रनिंग है, तो मेरी भाई अब देखो मैंने जनवरी में ली थी 13 जनवरी, और अभी है आज 15 दिसंबर, तो ऑलमोस्ट कितने 8-10 महीने हो गए हैं। 10 महीने में मेरी गाड़ी चली है भाई 10,000 किलोमीटर, वो भी जिसमें मैंने दो तीन, एक ट्रिप हिमाचल का लगा लिया लंबा, और दो तीन बार मैं हरिद्वार वगैरह ऋषिकेश हो आया, और कुछ लोकल ट्रिप फैमिली के साथ लगे हैं जो ब्लॉग्स में शायद नहीं है, क्योंकि वो इवेंट ऐसे थे जिनका मैं ब्लॉग नहीं कर सकता था, कुछ होते हैं ना ऐसी चीज़ें। तो उस हिसाब से भाई मेरी गाड़ी 10,000 चली है, तो आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा रनिंग है मेरी, मेरी रनिंग कम है। यस हाँ, ऑल दो मुझे ट्रिप्स की रनिंग बढ़ानी है, पर अब जो मैंने बताया आपको कि जो न्यूज़ दी है जीके भाई की शादी है, तो जीके भाई की शादी के बाद और ट्रिप लगेंगे, उससे पहले मेरा भाई अभी दिसंबर का एक ट्रिप प्लान था नीरज भानू के साथ ही, जिन्होंने पुराना ट्रिप देखा ना हिमाचल वाला, दे विल नो हु इज नीरज भानू, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाओ, और उसमें ट्रिप होगा हिमाचल वाला, वो देखना 13-14 एपिसोड है, बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। तो उन्हीं के साथ मेरा ट्रिप प्लान था, लेकिन इस चीज की वजह से अब मुझे ट्रिप पोस्टपोन करना पड़ा, अभी तो कैंसिल ही करा है बट हाँ आगे पोस्टपोन है, बाकी आगे डेफिनेटली आगे ट्रिप्स तो लगेंगे। और जहाँ तक रहे 10,000 किलोमीटर, इसका एक अलग से रिव्यू भी मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ, कि सर्विस का तो बनेगा ही, एग्जैक्ट जो मेरे को कुछ चीज़ें लगी हैं बताने के लिए वो भी करते हैं। अब मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, फोटोग्राफर के पास, और एक दो काम है भाई, फोटोग्राफर किसी को पता होना है फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में, तो प्लीज़ सजेस्ट मी, आई टॉक एंड वी विल सी अगर मैनेज हो पाता है तो वह सब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाकी हाँ, अब तो व्लॉग आते रहेंगे रेगुलर, तब तक के लिए स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।